मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उनको परेशान और तंग किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करके मुस्लिम क़यादत को, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया जा रहा है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बुजदिल बनाने की एक बहुत ही मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, ताकि वो अपने हकूक़ की आवाज़ तक उठाने की कोशिश ना कर सके। उनका शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज़ की इज्जत मिट्टी में मिला के रखने का एक लंबा इतिहास है मनुवादियों का और आरएसएस बीजेपी का। आज मुल्क का, हमारे देश का, भारत का, इंडिया का क्या हाल है वो आप सब लोगों से छुपा नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी अकलियतें जितना परेशान हैं उससे ज़्यादा नहीं तो कहीं कम भी मुस्लिम कम्युनिटी परेशान नहीं है। मॉब लिंचिंग और हर तरीके की मॉब लिंचिंग, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, हर तरह के इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स मुसलमानों के साथ आइडेंटिफाई करके उनकी मजहबी आज़ादी पर ही नहीं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी हमला किया जा रहा है। हिजाब पहनने पर, खान पान पर और झूठे बहतान लगा के लव जिहाद जैसे, काव गौ रक्षा जैसे, कपड़े पहनने जैसे, दाढ़ी रखने के लिए, हिजाब पहनने के लिए, गर्ज़ यह है कि कोई ना कोई बहाना बना के मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। और ये पहले भी होता था, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं, लेकिन एक छुपे हुए तरीके से। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे काटा जाता था, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से ये खुलेआम हो गया। आइडेंटिफाई कर करके, चुन चुन के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उनको परेशान और तंग किया जा रहा है। हालत ये हो गई है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से भी ज़्यादा मुसलमानों को दबाने की और उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश नहीं, अमल दरामद भी किया जा रहा है। और मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई SC ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ जैसा कोई केस भी नहीं। एक और आस्पेक्ट जो बहुत अहम है, आइडेंटिफाई करके मुस्लिम क़यादत को, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया जा रहा है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बुजदिल बनाने की एक बहुत ही मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, ताकि वो अपने हकूक़ की आवाज़ तक उठाने की कोशिश ना कर सके। ये बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश हो रही है, उसके बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं बहुत बार, इससे पहले भी आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग खुद इस परेशानी में मुब्तला हैं। प्रेस वालों को भी, वकीलों को भी, प्रोफेशनल्स को भी, सभी को आइडेंटिफाई कर करके झूठे मुकदमों में भी फंसाया जा रहा है। तो बहुत दिन से जब हालात हो रहे थे और कोई रोशनी की किरण नहीं नज़र आ रही थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत चंद उलेमा ऐसे बचे हैं आज जो पूरा जज्बा ईमानी, बहादुरी, जिसका पहला जिसकी शर्त है अल्लाह के अलावा किसी से ना डरना, पहली शर्त है, तो ऐसे बहुत मुट्ठी भर उलेमा हमारे बीच में रह गए। और उलेमाओं ने कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी को तो हमेशा से लीड किया है, और हम लोगों को आदत भी है कि उलेमा हजरात हमें क़यादत दें, लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए कि उलेमा हजरात खुद बैकफुट पर हैं या दीगर वजूहात से किनारा कशी कर रहे हैं खतरा लेने से और सच को सच कहने से, हक को हक कहने से। इसका नतीजा क्या हुआ है कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हम सब लोगों की इज्जत, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज़ की इज्जत मिट्टी में मिला के रखने का एक लंबा इतिहास है मनुवादियों का और आरएसएस बीजेपी का, वो अब कमोबेश मुसलमानों का भी हो गया है। तो मौलाना तौकीर रज़ा साहब एक उन मुट्ठी भर आलिमों में से एक हैं जिनकी पहली चीज़ तो इज्जत, ना सिर्फ किसी भी मसलक की दीवार को या पर्दे को लांघकर
सब तरफ यूनिफॉर्म इज्जत है, बल्कि उससे भी अहम बात यह है कि ये सच को सच, हक को हक, चाहे वो कितना भी आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ डेट, या जो पूरा माहौल एक बना दिया गया कि मुसलमान अपनी आवाज़ तक ना उठा सकें, आवाज़ उठाने की सोच भी ना सकें, तो ऐसे हालात में मौलाना तौकीर रज़ा एक ऐसी रोशनी की किरण है जो हक को हक कहने के लिए बिल्कुल भी लफ्ज़ों को चबा के बात नहीं करते, सीधे सीधे बोलते हैं और ब्लैक एंड वाइट में बोलते हैं, कोई ग्रे एरिया नहीं रखते। ऐसे ही लोगों की आज ज़रूरत है। तो मौलाना ने मुझे ये सब बातों पे बात भी की और ये तजवीज़ की कि हमें सिर्फ मुसलमानों को अपनी मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि जो जज्बा ईमानी है हर एक मज़लूम की आवाज़ उठानी है। लेकिन क्योंकि इस मुल्क की राजनीति का फलक्रम, केंद्र बिंदु डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉजिटिवली नेगेटिवली मुस्लिम कम्युनिटी की ही कंधों पे या उनको शिकार बना के या उनके ज़रिए सारी राजनीति और सारे गंदे घिनौने काम हो रहे हैं, तो इसमें मौलाना ने ये मुझसे कहा और मैंने इनसे 100% एग्री किया कि इसमें सभी मजलूमों की हिफाजत करने के लिए जो हमारा दीनी और मज़हबी फ़र्ज़ भी है और आइनी फ़र्ज़ भी है कि हम सभी मजलूमों की आवाज़ मुस्लिम कम्युनिटी उठाए, अपनी तो लड़ाई लड़े, अगर हम सब मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी की भी लड़ाई ऑटोमेटिक हासिल हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, इज्जत और इंसाफ। तो ये जो मुस्लिम महापंचायत बुलाई जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पीछे, इसमें बहुत अहम बातें आपको नज़र आएंगी अगर आप गौर से देखें कि ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का 15% हिस्सा, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का 15% हिस्सा, यानी कि वी द इंडियन मुस्लिम्स कर रहे हैं, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कर रहा है। एक बात यह है, हम भारत के मुसलमान 15% अगर सेंसस के हिसाब से भी चला जाए, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 15% हम भारत के लोग, हम भारत के मुसलमान हैं। तो ये भारत के मुसलमान अपने साथ सभी मजलूमों की लड़ाई, जिसमें सिरे फहरिस्त, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और सिख क्रिश्चियन बौद्ध भी हैं, उनकी लड़ाई और आवाज़ का ऐलान करने के लिए, रोशनी की एक किरण दिखाने के लिए, आज जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर पर एक बेबसी का आलम है, एक नाउम्मीदी का आलम है जो कि हराम है, वैसा जो आलम और माहौल बन गया है पब्लिक, मेरा बार बार ये कहना है कि हमारे कायद भले ही लफ्ज़ों को चबा रहे हों, जो हमारी आवाम है, ख़ास तौर पर हमारी ख्वातीन जो है, उन्होंने CANRC का प्रोटेस्ट करके पूरी दुनिया को मिसाल दिखाई है कि मुस्लिम कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो अपनी ही नहीं बाकी सबकी भी लड़ाई संवैधानिक तरीके से, बहुत ज़रूरी और अहम बात है, संवैधानिक और कानूनी तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से लड़के जीत सकती है। तो ये मिसाल जो हमारी ख्वातीन ने CANRC के प्रोटेस्ट में आईनी, शांतिपूर्ण, बिल्कुल अमन और अमान से, जबकि हर तरह का हमला हुआ उनके ऊपर, ये जो मिसाल कायम की है उसको हम आगे ले जाते हुए ये महापंचायत बुलाई जा रही है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ही हम भारत के लोग की तरह, हम भारत के मुसलमान सभी मजलूमों की हिफाजत के लिए ऐलान करेंगे कि हम एक बड़ी तहरीक लॉन्च करेंगे सबकी इज्जत, सबके इंसाफ के लिए, आइनी, कानूनी और शांतिपूर्ण, अमन व अमान के साथ, इसी के लिए ऐलान हो रहा है। और मैं आप गुजारिश करूंगा मौलाना से कि वो भी हमें रास्ता दिखाएं इसमें और क़यादत लें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही मुट्ठी भर लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि दीगर उलेमा भी हमारे साथ आएंगे, आना भी चाहते हैं, बहुत जल्दी आएंगे, पूरी आवाम भी आएगी और हर तरह की मुस्लिम प्रोफेशनल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस तहरीक के साथ जुड़ेगी, क्योंकि ये
हर जगह इंसाफ और बराबरी जो आर्टिकल 14 है ना, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी मुसलमानों की बराबरी, मुल्क के हर शोबे में हर वसाइल में मुसलमानों के 15% की हिस्सेदारी प्रैक्टिकल तरीके से लड़ के हासिल करे जाने का तरीका सोचने के लिए और उस पर अमल दरामद करने के लिए ही ये जद्दोजहद शुरू हो रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।